तो लास्ट वीडियो में आपने देखा मैं गोकुल धाम पहुंच चुका था, अब मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं गोकुल धाम। गोकुल धाम की गलियों को देखेंगे जहां पे कृष्ण भगवान जी खेला करते थे बचपन इन्होंने यहां बिताया अपना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और जरूर शेयर करिएगा। और अपने साथ हैं इस समय ब्रजकिशोर उपाध्याय। ब्रजकिशोर उपाध्याय जी ये मुझे गोकुल की गलियों में दिखाने जाएंगे, घुमाएंगे, मंदिर दिखाएंगे और जो सारी लीला जो कृष्ण भगवान की यहाँ हुई है उसके बारे में बताते रहेंगे। ये फर्स्ट गेट, नंद गेट, ऐसे गोकुल में 7 द्वार हैं। हाँ जी। तो ये पहला द्वार है नंद द्वार। मथुरा का लड़की और गोकुल की गाय और करम फूटे बाहर गान जाए। यहाँ की गाय मथुरा नहीं जाएगी, जो मथुरा है कंसपुरी है। जी है गऊ लोग भूमि। इस भूमि में पहला चमत्कार है, इसी भूमि में 180 करोड़ देवता विराजमान है। हाँ जी। जल्दी इसको गोकुल बोलते हैं, गोकुल नहीं, इसका नाम है गऊ। जल्दी में बोलते हैं गोकुल। तो यहाँ समय ज्यादा गाय थी नंद बाबा 9 लाख। कृष्ण का बधाई दिया गऊ से दिया। जय कन्हैया लाल की और हाथी गोरापाल की। हंस लो थोड़ा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। चलो छोटा गौशाला है। हाँ जी। गोपाल गौशाला। बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। हाँ जी। ये जगह का नाम बंसी भट्ट। यहाँ से भगवान गौ चराने के लिए वृंदावन गए। अच्छा। वृंदावन धाम नहीं, वृंदावन तुलसी का वन है। मथुरा धाम नहीं, मथुरा पुरी है, जो मामा कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया है। ये समय बड़ी गोपी है चंद्रावली, राधा की सखी है। समय पहले भगवान ने दान मांगा गोपियों से, तो समय बड़ी गोपी है चंद्रावली। तो दोस्तों ये आ गई है कुंज गली, गोकुल की कुंज गली। अरे और आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाह बेहद ही खूबसूरत लल्ला जी यहाँ पर चोरी करते मैया यशोदा के हाथ में आके। जय ग्वाल वाले। हाँ अलग अलग रूप में यहाँ पर देखिए। जय माखन चुराने में से, मटकी में से, मटकी में से माखन चुराते हुए। तो नाम माखन चोर पर आके। बिल्कुल जी। गली गली में सो रहा तेरा लाला माखन चोर है। तो चोरी करी नहीं यशोदा मैया की। बिल्कुल जी। ये पूरी गली में आप देखिए यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत चित्रकारी। ये सभी गाय चराने जा रहे हैं भगवान। हाँ जी। कृष्ण और बलराम। हाँ कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम दो भाई। जय माता के संग मुरली बजाई भगवान ने। हाँ जी। तो कृष्ण का नाम पला मुरलीधर। मुरलीधर बिल्कुल। और बलराम का नाम पला हलधर। हलधर हल हल। और बलधर कृष्ण छलिया है और वो बलिया है। बलिया है। तो इनने जो भी काम करा है बल से करा है। ये आगे जी पूतना का चित्र है, अंत करते हुए पूतना का। और पूतना कौन थी? राजा बलि की बेटी। ब्राह्मण अवतार में बोली आज तू मेरा बेटा होती मैं तेरे को दूध पिलाती। तो भगवान बोले मैं कृष्ण अवतार में तेरा ही दूध पीऊंगा। तो किसी माँ का नहीं पिया, पिया तो पूतना का पिया। तो जय जय गोवर्धन धारी और पहली चोट पूतना मारी। तो समय पहले भगवान ने पूतना मारा है, फिर भगवान ने पर्वत उठाया है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। जय जमुना जी आई। तो दोस्तों काफी अच्छी जानकारी देते हुए और जमुना किनारे पे, जमुना किनारे पे हम आ चुके हैं जो वासुदेव जी लेके आए नदी पार करके। अच्छा। तो जी नदी पार ये नदी पार करके आए थे। तो जमुना जी को कोई देवता लेके नहीं आया। बिल्कुल जी। जमुना जी तो स्वयं पृथु तो ये है, कृष्ण से पहले की है। कृष्ण से पहले की है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका नाम है जमुना जी। तो हम लोग बोलते हैं इसको शुद्ध कालिंद्री। शुद्ध कालिंद्री। कालिंद्री तो भगवान बोल के गए आज से मैं तेरा नाम रखूंगा कालिंद्री। अच्छा। तेरे को संसार पूजेगा। तो इसका नाम है कालिंद्री। ये बैराज है। ये बैराज है
वासुदेव जी जो लेके आए नदी पार करके, तो जो सामने मथुरा है, जे गांव का नाम है नौरंगाबाद, सामने सामने नौरंगाबाद है हाँ जी, औरंगजेब बादशाह ने जो बसाया है। अच्छा, तो जे गांव का नाम पड़ा औरंगजेबाद, ये जमुना जी बह रही है। अच्छा, यहाँ पे जमुना मैया की जय, ये नंद घाट है। अच्छा, ये नंद घाट सबसे बड़ा घाट है, नंद घाट हाँ जी, मथुरा में विश्राम घाट और वृंदावन में काली देव घाट। अच्छा, ये तीन घाट है, नंद घाट। और यहाँ आपको शाम की आरती 7 बजे के करीब होती है, जमुना किनारे जमुना जी की आरती। और बंदर भी है यहाँ पर, बंदर का नाम है माखन चोर। अच्छा, बंदर माखन चोर है, चश्मा चोर, और यहाँ माखन चोर, यहाँ माखन चोर है। नंद घाट जय सबको यहाँ लेके आई वासुदेव जी कृष्ण को हाँ जी, तो नंद घाट पे देखे जय जमुना जी की आरती। अच्छा, यहाँ जमुना जी विराजमान है। जय जमुना जी, बोलो जमुना मैया की जय। ये जमुना जी का मंदिर है, मंदिर है यहाँ करके हाँ जी जी, ले जाओ मां का फोटो, महाशक्ति योग माया, योग माया जी का मंदिर है जी। ये योग माया जी का मंदिर है, योग माया जी है, भगवती योग माया जी, महाशक्ति है योग माया, जिसका जन्म गोकुल में हुआ है। तो अब चल रहे जी नंद यशोदा के घर में, किला नंद भवन नंद घर। सो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं नंद बाबा जी के घर, ये समझ लीजिए दरवाजा है घर में घुसने का। जी अपन चल, सो पीछे काफ़ी ही बढ़िया दर्शन करे योग माया जी के, अब नंद बाबा जी का घर। और काफ़ी यहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी सारी, ये देखिए ये नंद बाबा जी का घर, घर नहीं कृष्ण का पालन हुआ है। अच्छा, किशन जी का पालन हुआ है। ये त्रस्त मंदिर है, ये जमुना जी का किला है, इतने ही ऊपर उतने नीचे जमुना किनारे हाँ जी, ये नंद बाबा का किला है, नंद बाबा का किला है, इतना ही नीचा है और इतना ही ऊपर है, सामने जमुना जी बह रही है। सो ये देखिए ऊपर लिखा है नंद किला, नंद भगवान गोकुल। चलिए बोलो शंकर भगवान की जय, जय शंकर भगवान जी। यहाँ समय पहले भगवान आए शंकर जी कैलाश पर्वत को छोड़कर गोकुल में हाँ जी, कृष्ण का दर्शन करने के लिए हाँ जी, 3 रात 3 दिन तपस्या करी, तो मैया यशोदा ने इनको भी दर्शन नहीं कराई। सो जी तो साधु के रूप में आए, जोगी के रूप में आए भिक्षा लेने के लिए, तो इनने जो दर्शन करा वो विष्णु रूप का करा शंकर जी ने। और जहाँ गोकुल में आए तो इनने देखा कैसा बाल रूप का दर्शन है, प्रभु कैसे लग रहे हैं, तो यहाँ भगवान 11 साल 52 दिन बचपन में लीला करी है, तो ऐसे ही शंकर जी ने खेल खेला है, तो मैं यहाँ जोगी का रूप धारण करूँगा, साधु का रूप धारण करूँगा, तो मुझको भी दर्शन हो जाएंगे। पर इनको भी दर्शन नहीं हुए। यशोदा माँ बोली ले रे जो कि भिक्षा ले, तो शंकर भगवान बोले नाचिया तेरी मूर्ति मूंगा, और नाचिया तेरी माया पर दर्श करा दे गोपाल के, जा जोगी में आया। तो मैया यशोदा बोली मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, तेरे नार में स्यापे है, बिच्छू है, मेरा बालक छोटा है, तेरे को देख के डर जाएगा। 3 रात 3 दिन तपस्या करी, कभी इनको भी दर्शन नहीं हुए। तो भगवान लौटने लगे, तो भगवान रोने लगे, इतना दूर से कौन आया, मेरा भक्त आया। तो मैया बोली मेरे द्वार में कौन आया, एक बाबा जी आया, क्या जादू टोना कर गया, मेरे गोपाल को डरा गया। बाबा तने ऐसा जादू टोना क्या करा है, मेरा लाल हो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो शंकर जी बोले तेरे बच्चा को कुछ नहीं हुआ, तू बच्चा को लेके आ, मैं नजर उतारता हूँ। तो नजर किससे उतारा, जटों से।
तो दूर से दर्शन कराया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ये है बलराम जी का मंदिर। ये जय नंद बाबा के गुरु हैं सांडिल ऋषि और इनकी पत्नी है पूरन मासी। जो पूरन मासी आती है कि नहीं, जय को नाम पूरन मासी और पूरन मासी। जय कृष्ण के बड़े भाई बलदाव जी का जन्म स्थान है। इनका जन्म गोकुल में हुआ है। कृष्ण का जन्म मथुरा में। राधा कृष्ण का जोड़ी मिलेगा, शंकर पार्वती का मिलेगा, राधा कृष्ण का पर दाव जी और रेती का दर्शन पूरे भारत में नहीं मिलेगा। जो बलदाव जी के ऊपर शेषनाग मिलेंगे, किसी पत्नी के ऊपर शेषनाग नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी देवता का तीसरा चरण है। बोलो शेष नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, जो बलराम दाव जी का हमने मंदिर देखा है, ये गोकुल का हमारा आखिरी दर्शन थे। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बलराम जी और रेपती जी, ये आपको कहीं और किसी मंदिर में ये ऐसे पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेगा ये। और प्लस और ये बता रहे हैं कि ये जो मूर्ति जो मैंने आप दोनों देखी है, अंदर नहीं दिखा पाया था क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए नहीं दिखा पाया, लेकिन वो प्रकट हुई मूर्ति है, कोई बनाई हुई नहीं है। तो काफ़ी अच्छे दर्शन रहे। कुछ मंदिरों में अलाउड नहीं होता है तो इसलिए नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन आप गोकुल जरूर आइए और गोकुल धाम के जरूर दर्शन करिए। मैं पहुंच चुका हूँ, प्राचीन जन्म स्थान है श्री कृष्ण जी का। सो यहाँ से एंट्री अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ जन्म हुआ था मेन ये नंद बाबा का नंद किला है। छोटी छोटी पेड़ ढकने पेड़ों से ढका हुआ है, ये नंद बाबा का किला है। ये तो ये नंद बाबा का किला है। हाँ, टूटता है इसका कोई रिपेयरिंग नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट ही रिपेयरिंग कराता है। अच्छा। तो ये पुराना गोकुल है मेरे ख्याल में, मतलब वैसे। तो दोस्तों, असली पुराना गोकुल ये है। अरे, इस मार्ग का नाम है डेविल मार्ग। डेविल भगवान श्री कृष्ण की बाल गली है। भगवान बालपन में घुमा करते थे। ये 2.5 कोस में होके इसका परिक्रमा होता है। अच्छा, तो यहाँ गोकुल वृंदावन की परिक्रमा 12 वन की बोली जाती है। गोकुल की परिक्रमा 2.5 कोस की बोली जाती है। 2.5 कोस की परिक्रमा करने से सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ से कुछ क्षण में नंद बाबा का घर आने वाला है। अच्छा, बलदेव जी भगवान को लेके आए। अच्छा, और काल का पेड़ है, 5 कलर का फूल देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? 5 कलर का फूल देखने 5 कलर का फूल मिलता है इसी पेड़ पे। पूरा कार्तिक का महीना लगता चढ़ाया जाएगा जब तक 5 कलर का फूल। अच्छा, ये संत गोकुलेश्वर महादेव है। गोकुल में दर्शन करने आए तो भगवान का नाम गोकुलेश्वर। लो जी, गोकुल में आए थे यहाँ पर शिव जी जो है भगवान कृष्ण के दर्शन करने। 84 खम्भे, ये 84 खम्भे है। वो बल्लभा जी ने 500 वर्ष पहले बसाया है। ये 6000 वर्ष पुराना नंद बाबा का घर है। ये सब 84 खम्भे है। अच्छा, ऐसे ये 84 खम्भे है। हाँ, 84 खम्भे 84 डिजाइन। हर खम्भे पर डिजाइन आपको अलग मिलेगा। एक सा एक खम्भे का डिजाइन नहीं मिलेगा। सारे खम्भे आपको एक से नहीं मिलेंगे, सब खम्भे के डिजाइन अलग अलग मिलेंगे आपको। बिल्कुल। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं 84 खम्भे हैं और इन सब में जो है डिज़ाइन सबका अलग अलग बता रहे हैं। सो दोस्तों, ये जो मंदिर के आपने दर्शन करे, ये था मेन, बताते हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था असली में। और दोस्तों, आपको हर जगह यहाँ पर ना पंडित जी पुजारी जी मिल जाएंगे जो आपको गाइड के रूप में अंदर की चीज़ें बताएंगे। सो ठीक है, उनके आप मदद ले सकते हैं क्योंकि अंदर का हमें पता नहीं होता कि क्या कहानी है या क्या चीज़ कहाँ है। मिंटो की ड्राइव के बाद मैं पहुंच चुका हूँ ब्रह्मांड घाट। ये वो घाट है दोस्तों जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने यशोदा मैया को मिट्टी खाने के बाद ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। जी हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना नदी। तो चलिए देखिए,
हैं, ब्रह्मांड घाट इसका नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं। सो गोकुल में आप इसको भी एक्सप्लोर करना ना भूलिएगा। और आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर गायें गायें हैं, गायें गायें। सो ऐसे ये बना हुआ है। तो दोस्तों ब्रह्मांड घाट से मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे और ड्राइव करके मैं आ चुका हूँ चिंताहरण मंदिर, जो कि शिव जी को समर्पित है। चलिए देखते हैं। सो अंदर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं शिवलिंग को। सो ये अंदर चिंताहरण मंदिर में ये शिवलिंग है, भगवान शिव जी विराजमान है यहाँ पर। यही थी यात्रा गोकुल धाम की चिंताहरण मंदिर के साथ। इस वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और यात्रा काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे मथुरा के आसपास से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।